नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से 15 मई दिन सोमवार अपरा एकादशी के दिन बना दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग मां लक्ष्मी योग, गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग 12 राशियों में से इन राशि वालों को मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। यूं कहें कि ये राशि वाले होंगे करोड़पति। ये राशि वाले अब होंगे धन से मालामाल। स्वयं भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी अब 12 राशियों में से इन राशि वालों के जीवन की सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर करने वाले हैं। यूं कहें कि स्वयं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी इन राशि वालों के घर पधार रहे हैं, जिससे इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और अब इन राशि वालों के जीवन में आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे अब इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। ये कुछ भाग्यशाली राशियां हैं जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से 15 मई दिन सोमवार अपरा एकादशी के दिन करोड़पति बनने वाली है। इन राशि वालों को स्वयं विधाता भी करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। इन राशि वालों के जीवन में मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम इन्हीं कुछ राशियों के बारे में, भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, जो कि अपरा एकादशी के दिन धन से मालामाल होने वाली है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, आपको बता दें, हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत भी रखते हैं। मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं, वे नरक गामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपरा एकादशी को श्रीमन नारायण के विष्णु स्वरूप की पूजा पूरे मनोभाव से करता है, वो सब पापों से मुक्त होकर गौलोक में चला जाता है। बता दें कि इस दिन श्री विष्णु जी को पंचामृत, रोली, मोली, गोपी चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतु फल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती उतार कर दीपदान करना चाहिए। पद्म पुराण के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उनके वामन स्वरूप में ही की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव के बालों से मां भद्रकाली प्रकट हुई थी, इसलिए इसे भद्रकाली एकादशी भी कहा जाता है। इसके अलावा अपरा एकादशी को अचला एकादशी एवं जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।
दोस्तों बता दें, अपरा एकादशी को श्रीमन नारायण के विष्णु स्वरूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखकर पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो गौलोक में चला जाता है। इस दिन पूजन के समय विष्णु जी को पंचामृत, रोली, मौली, गोपी चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतु फल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती उतार कर दीपदान करने की परंपरा है। मान्यताओं के अनुसार श्री हरि की प्रसन्न करने के लिए तुलसी व मंजरी भी जरूर अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष रूप से बहुत फलदायी माना जाता है। उल्लेखनीय है कि भक्तों को इस दिन परनिंदा, छल, कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर भगवान विष्णु को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करते हुए यथाशक्ति गरीबों को जरूर दान देना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन जो भक्त प्रभु में चित लगाकर इस एकादशी की कथा का श्रवण या वाचन करते हैं उनका लोक परलोक सब सुधर जाता है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है, लेकिन अपरा एकादशी के दिन मां भद्रकाली का भी व्रत रखा जाता है, जिस कारण इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कहा जाता है कि अपरा एकादशी बहुत ही पुण्य प्रधान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इतना ही नहीं, अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि जैसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि का निवास होता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस दिन यानी एकादशी के दिन गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, जिसमें से 12 राशियों में से कुछ राशि वालों को धन लाभ प्राप्ति के योग हैं। ये राशि वाले धन से मालामाल होंगी, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इन राशि वालों को स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा इन राशियों पर हो गई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में। हम बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सी राशियां हैं जो धन से मालामाल होने वाली है। दोस्तों आजकल की दुनिया में मनुष्य के लिए पैसा बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गई है। बिना पैसे के मनुष्य कोई भी कार्य करने में समक्ष नहीं हो पाता है। यदि किसी भी कार्य की शुरुआत की जाती है तो उसमें धन की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। बिना धन के कोई भी कार्य संपन्न हो ही नहीं पाता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन की कभी भी कोई कमी ना हो। वो अपना जीवन सुख वैभव के साथ व्यतीत करना चाहता है, जिसके लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत भी करता है, जिससे वो बहुत सारा धन अर्जित कर सके। परंतु इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मनुष्य को सफलता प्राप्त नहीं हो पाती और वे सोच में पड़ जाता है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता हासिल
क्यों नहीं हो पाई। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनुष्य को मेहनत करने के साथ साथ उसकी किस्मत भी उसके साथ होनी चाहिए, क्योंकि यदि किस्मत साथ ना दे तो मनुष्य को जीवन में सफलता नहीं मिल पाती, और यदि किस्मत साथ दे तो मनुष्य अपनी कम मेहनत में ही अपनी इच्छा अनुसार सफलता प्राप्त कर सकता है। उसको सभी सुख वैभव की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। हिंदू धर्म में ग्रह नक्षत्रों और राशियों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। यदि ग्रहों या फिर किसी नक्षत्र पर भी छोटा या बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है तो इसका सीधा असर व्यक्ति के जीवन पर भी देखने को मिलता है। कुछ लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है तो वहीं कुछ लोगों पर इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ व्यक्ति को उसके जीवन में बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी राशियों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनकी सोई हुई किस्मत अब भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से चमकने वाली है, और इन राशि वालों के जीवन के अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से पहली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दें कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी आपके ऊपर बहुत मेहरबान हैं, और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। जो कार्य आपके रुके हुए थे वो सफलतापूर्वक पूरे होंगे। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो पैसा भी आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कर्जों से मुक्ति पाने में कामयाब भी रहेंगे। आपके द्वारा की गई कोशिशें सफल होंगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। व्यापार में अचानक धन लाभ होगा और सुख शांति का वातावरण आपके घर में बना रहेगा। साथ ही साथ मकर राशि वालों, आपके ऊपर भगवान विष्णु और मां की लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। हालांकि इस राशि के लोग अपने उग्र स्वभाव पर थोड़ा संयम रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें, इस समय शुभ महासंयोग से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आपको अब आपके लिए इस समय में अब लाभदायक स्थितियां बनी हुई है। आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने भविष्य के लिए जो योजनाएं आपने बनाए रखी है वे योजनाएं सफल होंगी, और उन पर कार्य करने का समय भी आ गया है। उन पर अमल करें, सफलता आपके हाथ लगेगी। साथ ही साथ आपको कहीं बड़े फायदे देखने को मिलेंगे। व्यवसाय के नए रास्ते बनते नजर आएंगे। जो व्यक्ति नौकरी पेशा वाले हैं उनको पद में उन्नति मिलेगी और उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ ही साथ संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। माता पिता का आशीर्वाद आपको बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। दोस्तों, मेष राशि वालों, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से समय आपके लिए अनुकूल है। जी हां दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बता दें, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब इस समय खुशियों की सौगात लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, ये समय आपके लिए बहुत ही लाभदायक समय सिद्ध होगा। परिवार में सुख शांति आएगी। आपके रुके हुए समस्त कार्य अब समय पर पूरे हो जाएंगे। जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा। संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिलने से मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। परिवार में कुछ नई चीजों का आगमन भी हो सकता है,
जिसकी वजह से आपके घर परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। साथ ही साथ जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से समय आपके लिए कन्या राशि वालों बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। अब बात करते हैं अगली राशि की, तो अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी अत्यंत मेहरबान हैं, अत्यधिक कृपा आपके ऊपर बन रही है। मीन राशि वालों, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का नाम लेकर कोई भी कार्य शुरू करेंगे या नया कोई बिजनेस शुरू करेंगे, आपको उसमें अवश्य ही बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आप सामाजिक रूप से अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब होंगे। साथ ही साथ छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के योग बन रहे हैं। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, मीन राशि वालों, अब आपको वे सभी खुशियां प्राप्त होंगी जिनके आप हकदार हैं। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आपको अब अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होने वाली है। दोस्तों अब बात करें अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशि की, तो वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों को बता दें कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके लिए बहुत ही शुभ महासंयोग का निर्माण हो रहा है। आप अपने सभी कार्यों में सफल होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आपको आकस्मिक धन लाभ प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। व्यवसाय में भारी धन लाभ आपको प्राप्त होगा। आप जल्द से जल्द कोई नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं जिससे आपके घर परिवार में खुशियां बनी रहेगी। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से कुंभ राशि वालों, समय आपके लिए बेहद अनुकूल है, इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और घर परिवार में खुशियां आएंगी। अब बात करते हैं अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशि की, तो वो है तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों को बता दें कि आपके ऊपर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि बन रही है, जिसकी वजह से आपको अत्यंत भारी धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना है। साथ ही साथ इस राशि के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उनको पद में तरक्की मिलेगी और साथ ही साथ वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको उसमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको संतान प्राप्ति का भी शुभ अवसर प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ आपके प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशमय और आनंदपूर्वक रहने वाला है। दोस्तों बता दें, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से तुला राशि वालों, समय पूर्णता आपके पक्ष में है। जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे वे कार्य आपका अवश्य ही सफल होगा। इस समय का आप भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दें। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अगली खुशनसीब भाग्यशाली राशि की, तो वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों को बता दें कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर आने वाली है। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। आपको इस समय नए अवसर की तलाश है, तो वो भी अवसर प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपके जो भी कार्य रुके हुए थे वे सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी। साथ ही साथ यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने की को लेकर योजना बना रहे हैं, तो वो योजना भी आपकी अवश्य ही सफल होगी। वृषभ राशि वाले लोगों, आपके लिए
धन लाभ के लिए अनेकों अवसर प्राप्त होने वाले हैं। यूं कहें कि धन लाभ प्राप्ति आपके लिए अनेक योग लेकर आई है। स्वयं मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से इस समय आपके लिए समय अनुकूल है। आप लोगों को बता दें कि आपके परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, साथ ही साथ कारोबार में वृद्धि होगी, सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, अचानक से धन प्राप्ति आपको होने वाली है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि की, तो वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों को बता दें भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आपको बहुत ही शुभ संदेश मिलने के योग बन रहे हैं। आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको अवश्य ही फायदा प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, आपके रुके हुए कार्य सफलतापूर्वक बनेंगे, दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा, साथ ही साथ इस राशि के व्यक्तियों को परिवार और जीवन साथी का पूरा सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। आपकी मधुर वाणी की वजह से आपके सभी कार्य पूरे होंगे, सफलता आपके चरण छुएगी। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर बन रही है जिसकी वजह से आपकी धन संबंधित सभी परेशानियां दूर होंगी। जो भी आपके रुके हुए कार्य थे वे सफलतापूर्वक पूरे होंगे। वृश्चिक राशि वालों, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। समय आपके लिए अनुकूल है, समय का भरपूर लाभ उठाएं। जी हाँ दोस्तों, ये है वो खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां जो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से मालामाल होने वाली है। यूं कहें कि ये राशि वाले अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से अवश्य ही प्राप्त करने वाले हैं जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। दोस्तों आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।